नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अभी बचा रहा है कोरोना से भारतीयों की जान। शोध में सामने आया इम्यूनिटी का राज। कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है तो अब भारत भी बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आंकड़ों की माने तो भारत में 10 लाख में 15, रूस में 72, ब्राजील में 308 और अमेरिका में 402 मौत हुई है। भारत में मृत्यु दर 3% से कम यानी 2.9% है, जबकि रूस, ब्राजील, अमेरिका और यूरोप में 10% से ज्यादा है। कोरोना की लड़ाई में भारत कहीं बेहतर स्थिति में है। सेल का पावर हाउस बना भारतीयों का सेफ गार्ड। भारत के लोगों में कोरोना के प्रति बेहतर इम्यूनिटी का राज अब खुल चुका है। बीएचयू में हुए एक शोध में पता चला कि भारतीयों के सेल यानी कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया ही भारतीयों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दिला रहा है। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोरोना जब हमला करता है तो माइटोकांड्रिया पर ही हमला करता है। वनवासी भारतीय सबसे ज्यादा सुरक्षित बीएचयू के डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे ने अपने शोध में साबित किया है। जिन देशों में कम कोरोना से मृत्यु दर और रिकवरी रेट ज्यादा है, वहां के माइटोकांड्रिया डीएनए में एम हेल्पोग्रुप माइटोकांड्रिया पाया गया। यही माइटोकांड्रिया चीन और पूर्वी एशियाई देशों के लोग सहित 70% भारतीयों में भी पाया गया। इसी स्टडी में पता चला कि इस तरह के माइटोकांड्रिया सबसे ज्यादा वनवासी भारतीयों में पाए जाते हैं। वनवासी भारतीयों में इस तरह के माइटोकांड्रिया का प्रतिशत 90% है। वहीं पश्चिम भारत में 50%, उत्तरी व दक्षिण भारत में 70% इस तरह के माइटोकांड्रिया पाए गए हैं। अब ये रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल फ्रंटियर्स एंड जेनेटिक्स में प्रकाशित किया जाएगा। ये कर लिया तो कोरोना खत्म। प्रोफेसर चौबे के शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वायरस माइटोकांड्रिया पर ही सबसे घातक वार करते हैं। इसी तरह एक अन्य शोध में अल्बामा विश्वविद्यालय के डॉक्टर जैक चेन और बिरला इंस्टीट्यूट राजस्थान के डॉक्टर प्रशांत सुरावंजवाला के शोध ने भी ये साफ कर दिया कि माइटोकांड्रिया पर होने वाला कोरोना वायरस का वार अगर रोक दिया जाए तो इस बीमारी से ही निजात मिल सकती है। इस संयुक्त रिसर्च को पिछले महीने ही अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश किया गया है। यानी माइटोकांड्रिया ही कोरोना वायरस से बचाता है। इस पर होने वाला हमला रोक दिया जाए तो इस बीमारी से दुनिया को पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है।